Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is about hydrogen burning. Hydrogen burning is actually an electrostatic force of attraction between hydrogen and more electronegative atoms such as fluorine, oxygen, nitrogen of other molecule. Hydrogen burning is represented by dotted line, while covalent bond is represented by solid line. Hydrogen bonding is weaker as compared to covalent bond. अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपके पास होती है ये वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू जो कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी को अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है ये आपके पास तकरीबन 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी विच इज़ 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल. बट इट इज़ स्ट्रॉगर दैन वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन विच इज़ अबाउट 1 किलो कैलोरी पर मोल. अगर इसको देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपके पास वॉन्डर वॉल फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉगर फोर्स है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मालिक्यूल्स सेम मालिक्यूल आर डिफरेंट मालिक्यूल. एंड सेकेंड वन इज इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज बॉन्डिंग विद इन मालिक्यूल. Now we discuss intramolecular hydrogen bonding in detail. This type of hydrogen bonding is between two or more same or different molecule when combined together to form a dimer or polymer. अगर हम इसको देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी पॉसिबल है. इसमें आपके पास अगर देखें तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास डॉटेड लाइन से ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है. तो ये तीन डिफरेंट किस्म के तीन मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं अमोनिया के जिनमें जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाटर के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं. ऑक्सीजन जो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया गया है. और ये एक मॉलिक्यूल वाटर का है, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड एंड आल्सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अगर इसको हम देखें तो ये जो है ना जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये भी कंपाउंड का इंक्रीज कर देती है. क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं दीज आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर. बट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर दैन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर को देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती है देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल दिखाया गया है जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF और दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन का एटम दिखाया गया इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई. जितने भी आपके पास यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिखाई गए दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली इसको अगर हम इसको डाइमर की फॉर्म में हम देखें तो ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है एंड दैट इज़ अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन के साथ. सिमिलरली यहाँ पे जो इसका कार्बोनिल है ये दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ मिल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और इस तरह दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं आपको एक डाइमर बना के देते हैं. सिमिलरली अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ये एक और मॉलिक्यूल देखें जिसको हम कहते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल, दैट इज़ पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा पोजिशन पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, ये भी आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल है. तो जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप का ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद OH ग्रुप ऑफ अनदर पैरा नाइट्रोफिनोल, और इस तरह आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है बिटवीन पैरा नाइट्रोफिनोल. सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अक्कर विद इन टू एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल
एंड लीड्स टू फिनोमिना कॉल्ड कीलेशन। अगर इसमें देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज टेक्स प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल विद इन एटम ऑफ द कंपाउंड, उस एक ही एटम के दरमियान में हो रही होती है, इससे जो है ना आपके पास एक रिंग बन जाता है जिसको जिस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कीलेशन। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड एंड ऑल्सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर इसको हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट को भी जो है ना डिक्रीज कर देती है और इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चूंकि मालिक्यूल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है तो ये मालिक्यूल के विद इन मालिक्यूल जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये वाटर के मालिक्यूल या किसी भी सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। एज ए रिजल्ट इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। सिमिलरली सैलिसाइल एल्डिहाइड ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे भी आपके पास जो है ना OH जो है ना जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है जो सी डबल बॉन्ड है ये OH ग्रुप के है H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ला है, और यहाँ पे भी ये जो है ना विद इन सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी विद इन सेम मॉलिक्यूल है। तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट डिक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यू इन्वॉल्व इन पेंट इंडस्ट्री, डॉयज इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मटीरियल एटसेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यूज इन क्लोथिंग मटीरियल, इट मेक्स देम रिजिड एंड क्रिएट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये देखें तो ये जो है ना मोस्टली जो है ना आपके पास क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, ये जो आपके पास क्लॉथ होते हैं उसको रिजिड बनाती है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा करती है, जब उसमें खिंचाव पैदा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा करती है ब्रेकिंग से बचाने के लिए। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हम क्लीनिंग एक्शन देखते हैं सोप का या डिटर्जेंट्स का जो मैल हटा देते हैं कपड़ों से दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें जो है ना डिफरेंट बेसिस आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो प्रेजेंट इन DNA सिंगल और डबल हेलिक्स इन बोथ। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड मी एट the following YouTube link given below. Thank you.